हेलो एवरीवन, सुप्रभात। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं काव्य की शक्ति यानी कि पावर ऑफ पोएट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। काव्य वह शक्ति है जो कि गद्य से ज़्यादा प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, यानी कि जहाँ पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच सकती वहाँ पर कवि पहुंच जाता है, यानी कि ऐसी बातों को अपनी लेखनी से लेखनबद्ध कर देता है। कवि की दृष्टि होती ही बड़ी पैनी है, क्योंकि वह ऐसे पुरुषों में शक्ति भर देता है जो कि बिल्कुल ही उत्साहहीन हो गए हैं। कायरों में भी ओझला देता है, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जो कि राजा अपनी हार मानने के लिए तत्पर हैं और पराजय स्वीकार यानी कर ही चुके हैं लगभग, लेकिन किसी कवि के द्वारा कुछ पक्तियों का ऐसा प्रभाव होता है कि वे अपनी पताका फहराकर यानी कि विजय की पताका को फहराकर ही रुकते हैं। तो जब काव्य में इतनी शक्ति है तो फिर वास्तविकता ही है कि काव्य हमें पढ़ना चाहिए, उसकी शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। वह यानी कि जो काव्य है, रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकता है, दुखी व्यक्ति को सुखी बना सकता है। एक कवि ने ठीक ही लिखा है कि क्लीवों के शरीर में भी खौल उठता है खून, त्योरियाँ बदलती हैं, जोश चढ़ जाता है, लेकर हथेली पर जान बढ़ता है वीर, हारी हुई बाजी को तुरंत पलटाता है, होने लगता है प्रलयंकर सा नग्न नृत्य, नाश का कलेजा भी कलीसा लहराता है, तीनों लोक चूमने अंगूठे लगते हैं तेरे, कवि तू सागर्व यानी सागर्व जब लेखनी उठाता है। तो वास्तविकता है ये कवि की लेखनी की शक्ति है, ये कह सकते हैं काव्य के लिए। काव्य की शक्ति कवि में नैसर्गिक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से आती है। यहाँ पर जो एक श्लोक है वह ध्वनिकार आनंद वर्धनाचार्य ने लिखा है, वह आपके सामने प्रस्तुत है। काव्यस्यात्मा सैवार्था तथा चादिकवि पुरः क्रौंच द्वंद वियोगात शोका श्लोकत्व है मागतः। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रौंच के जोड़े की भावी वियोग से यदि कवि के हृदय में शोक ही श्लोक के रूप में बाहर आ गया, कवि के हृदय में उत्पन्न रस ही वस्तुतः कवि के रूप में यानी कि कविता के रूप में बाहर आता है। ये जो उदाहरण है ये किसके बाद लिया गया है, जो कि महाकवि वाल्मीकि के मुख से जो पहली बार पंक्तियाँ निकली थी, मनिषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेकं वदि काममोहितम्। इस श्लोक के बाद कहा है। ये घटना कब की है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार वाल्मीकि यानी कि जब वह कवि नहीं थे तब की घटना है। वे लोगों को लूट कर उसी से अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया, परिस्थितियाँ बदलती गईं, उनके घर के लोग भी कहा करते थे कि तुम कुछ नेक अच्छे कार्य करो, तो थोड़ा थोड़ा उनका मन चेंज होने लगा, बदलने लगा। एक बार वह घूम रहे थे, उसी समय एक किसी शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से, जो कि बैठा हुआ था पक्षी का जोड़ा, उसमें से एक को तीर मार दिया। देखा उन्होंने यानी कि वाल्मीकि ने देखा कि एक पक्षी के तीर लग गया है और घायल अवस्था में तड़प रहा है, और उसके साथ में जो मादा क्रौंची यानी कि दूसरा जो पक्षी है वह विलाप या करुण क्रंदन कर रहा है। उस समय उन्हें इतना दुख हुआ कि उनकी जो भावनाएं थीं श्लोक के रूप में प्राय स्फुटित हो गईं। जो दशा थी यानी कि जो उसकी क्रांची की दशा थी, करुणाजनक विलाप कर रही थी महर्षि, ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, तभी वह अचानक निकला था श्लोक। मनिषाद प्रतिष्ठाम तमगमा शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादेक वदि काममोहितम्। इस प्रकार जो है रसानुभूति से ही कविता का जन्म होता है।
इसी को आशय करते हुए काव्य साधना आदि श्लोक लिखा गया है। विश्वनाथ कविदास ने लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, या कहें रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य की शक्ति कवि में नैसर्गिक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से आती है। इस विषय में आचार्य दंडी लिखते हैं, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्च नियोगो अस्यः कारणम काव्य संपदः। रस गंगाधर में प्रतिभा को काव्य की मुख्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। संस्कृत के अनेकों ग्रंथों में काव्य की शक्ति को सराहा गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अपारे काव्य संसारे कवि देव प्रजापति यथास्मि रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। दूसरा श्लोक है, नियति कृत नियम रहता आह्लाद है कम नियमन है परतंत्रताम नवरस रुचिराम निर्मिति माद धति ही भारती कविर जयति। उपनिषद में तो इस सृष्टि की उपमा कविता से दी गई है। इस जगत को ईश्वर की कविता कहा गया है और परमात्मा को कवि माना गया है। एक आधुनिक कवि ने अपनी कविता में इस आशय का विचार प्रकट किया है, भगवान राम ने तो रावण को ही मारा है किंतु तुलसी का मारा रावण हर साल जलाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान राम ने तो रावण को एक ही बार मारा है परंतु तुलसी का मारा रावण हर साल जलाया जाता है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक हो जाता है, यानी कि बता देना आवश्यक हो जाता है कि संस्कृत में श्लोकों में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक काव्य शक्ति होती है। संस्कृत में अधिकतर श्लोक सरल एवं सरस होते हैं। द्रोही शब्दावली एवं विचारावली से युक्त श्लोक कठिन होने के कारण कभी कभी उतने शक्तिशाली नहीं होते जितने सरल श्लोक होते हैं। सरल कविता की अपनी सहज प्रशंसा होती है। यहाँ पर हम तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बालकांड में जो लिखा गया है उसके बारे में बताते हैं, सहज कवित की रति विमल सोई आदर ही सुजान सहज बयर विसराई, यानी विसराई रिपो जो सुनी करही बखान। फिर से मैं इसको बता देती हूँ एक बार, सहज कवित की रति विमल सोई आदर ही सुजान सहज बयर विसराई रिपो जो सुनी करही बखान। कविता व्यक्ति के हृदय का परिष्कार करती है। यदि व्यक्ति के हृदय के आवेगों का समुचित विकास न किया जाए तो व्यक्ति पशु के समान आचरण कर सकता है। उसमें ईर्ष्या द्वेष निराशा आदि कुभावनाओं का निवास हो जाएगा। महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर लिखते हैं, मन रमा रमणी रमणीयता मिल गई यदि विधि योग से पर मिली न जिसे कविता सुधा रसिकता सिकता सम है जिसे। इन सब तथ्यों से ये बात स्पष्ट होती है कविता का कविता में शक्ति है, या कहें काव्य में शक्ति है और इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा अधिक है या बहुत ज़्यादा है। कविता का पठन पाठन दोनों ही आवश्यक हैं। यानी कि काव्य को क्यों पढ़ा जाए इसके विषय में संस्कृत के आचार्यों ने जो है वह अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें क्या है, कैसे शक्ति है, इस विषय में विचार व्यक्त किए हैं। प्राचीन आचार्यों के अनुसार काव्य के पठन पाठन से धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों को संस्कृत में चतुर्वर्ग की संज्ञा दी गई है और इस स्रोत के पठन पाठन से धर्म राज्याश्रय प्राप्त कर कविता की रचना से अर्थ यानी कि धन और काम तथा निष्काम भाव से कविता में प्रवृत्ति होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चारों वर्गों में से जिस पुरुष की प्रवृत्ति एक में भी नहीं हो उसके जीवन को संस्कृत में जो है बकरी के गले के गले स्तवन के समान बताया गया है, यानी कि गले में जो स्किल लटकी रहती है उसके समान बताया है।
उस विषय में कहा गया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते अजागल स्तन सेव तस्य जन्म निरर्थकम्। कविता चतुर्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, अतः कहा जा सकता है कि इससे व्यक्ति अपना जीवन सार्थक बना सकता है। आचार्य कुंतक ने कविता का प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति के साथ साथ व्याधि नाश यानी कि जो परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, उनको नाश करने का, अज्ञान का नाश करना तथा अमृतवत यानी कि अमृत के समान आनंद प्राप्ति का साधन बताया है। वे लिखते हैं चतुर्वर्ग फल स्वादी, यानी फिर से देख लेते हैं इस श्लोक को, चतुर्वर्ग फल स्वाद मपह अतिक्रम्य तद्दाम काव्यामृत शयांतरम चमत्कारो वित्यन्यते कटुकौषध छास्त विद्या व्याधि नाशकम आह्लाद्यमृत काव्यम विवेक गवापहम। आचार्य भामे ने भी काव्यालंकार में उच्च कोटि की कविता रचने से चतुर्वर्ग की प्राप्ति तथा अन्य कलाओं में दक्षता एवं कीर्ति की प्राप्ति बताया है। उन्होंने लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम वैचक्षणेयम कलासु च करोति प्रीति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। कविता से कीर्ति प्राप्त होती है। आचार्य भामे के इस कथन में अत्युक्ति किंचित मात्र भी नहीं है। कालिदास, भभूति, माघ, वाल्मीकि, सूर, तुलसी, मीरा, निराला, कीट्स कितने कवि हैं उन्होंने काव्य रचना की है। केशव, भूषण, चंद्रवरदाई कवियों ने राज्य स्तर प्राप्त करके कविता के द्वारा ही अर्थ प्राप्त किया। मयूर ने सूर्य का स्तोत्र रचकर अपने कुष्ठ निवारण की कामना की और अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कहा जाता है कि आचार्य उदयन एक बार जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन की कामना से गए, किंतु वहां उन्हें पहले दर्शन ना हो सके। आचार्य उदयन ने तुरंत ही एक श्लोक की रचना की और उसका पाठ किया, जो कि श्लोक हम सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। ऐश्वर्य मद मत्तो असि ही मामवज्ञाय वर्तसे उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीनः तव स्थिति। कहा जाता है कि इस श्लोक के पाठ के बाद भक्ति से बेहवल उदयनाचार्य को भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गए। वाल्मीकि, कबीर, सूर, तुलसी आदि की कविता के द्वारा मोक्ष प्राप्त इनको हो गया। कविता के पठन पाठन से चतुर्वर्ग की प्राप्ति जो है होती ही है, ये तो निश्चित ही है। अब मैं लास्ट में अंत में मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में इसका परिजन लिखा है उसको बताती हूँ। काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेशी वितर्षतये सदा परिनिर्वर्त है कांता सम्मित होपदेशी। अर्थात काव्य से जो है यश एवं अर्थ की प्राप्ति होती है, लोकाचार का ज्ञान होता है, अशेवा मंगल का निवारण होता है तथा सदा परमानंद की अनुभूति के साथ साथ कांता यानी कि पत्नी के समान उपदेश की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।